शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण व अमूल्य ज्ञान है, वह अनिवार्य भी है। समाज भी शिक्षा पर निर्भर करता है, पर देलवाड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक व प्रधानाचार्य की कमी के चलते विद्यालय का वातावरण भी सही नहीं है। आइए जानते हैं इस विद्यालय के बारे में, जो कि हमारे क्षेत्र का एकमात्र सबसे बड़ा विद्यालय है। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी देलवाड़ा से नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र से भी अध्ययन करने के लिए आते हैं। विद्यालय में कुल 148 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, परंतु वर्तमान में ऐसी कई सारी पोस्टें हैं जो कि खाली पड़ी है। इतिहास के प्राध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ पर खाली पड़ी हुई है, कॉमर्स के अंदर व्याख्याता नहीं है यहाँ पर, ज्योग्राफी के अंदर नहीं है व्याख्याता यहाँ पे, और इसके साथ साथ में प्यून की पोस्ट भी खाली पड़ी हुई है, और नए सब्जेक्ट्स और दिए यहाँ पर, जिसमें साहब होता है उर्दू सब्जेक्ट दिया यहाँ पर, तो उसके भी पढ़ाने वाले कोई भी नहीं है, यानी करीब 10 पोस्टें यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। इसकी वजह से पढ़ाई का बहुत इसको बच्चों को लॉस होता ही है। तो सर वर्तमान में फिर ये नहीं होने के कारण कैसे मतलब मैनेज कर पा रहे पूरे स्कूल को? मैनेज तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो टीचर हैं उनको भी दे रखा है, बाकी के जो व्याख्याता है उनको, अगले दो व्याख्याता उनको दे रखा है, पुस्तकालय अध्यक्ष को दे रखा है, इस तरह से व्यवस्था चल रही है। विद्यालय में आने जाने के लिए केवल दो मात्र रास्ते हैं, एक जो कि गांव की तरफ से आता है और दूसरा जो कि हाईवे नंबर 8 के पास होके हुए गुजरता है। परंतु गांव से आने वाले रास्ते में पानी होने के कारण विद्यार्थी हाईवे नंबर 8 गेट से होते हुए इस स्कूल में प्रवेश करते हैं, जिस कारण भविष्य में भारी दुर्घटना की संभावना है। विद्यालय में कई सारे कमरे हैं जो कि उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन वो बंद पड़े हैं। मैदान है परंतु उसमें बारिश का पानी भरा होने के कारण उपयोग नहीं हो सकता। शौचालय है परंतु सफाई नहीं। शौचालय तो टूटा हुआ है, इसमें बाथरूम लड़के सही ढंग से कर नहीं सकते हैं, बाथरूम टूटा हुआ है, उसमें पानी की सुविधा नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, वो पीने का पानी में कीड़े हैं जो बच्चों को पिला देते, कह देते कि अच्छा पानी है स्कूल वाले, हम ऑफिस में पानी पीने जाते तो भगा देते हैं। ऑफिस का पानी कहाँ से लेके आते पीने? ऑफिस का पानी हेडपम्प से। और आपके पीने के लिए? वो टंकी से आता है, जो टंकी कभी 4-5 सालों से अभी तक साफ नहीं हुई है। शिक्षकों की कमी तथा आए दिन कोई ना कोई समस्या के कारण विद्यार्थी नहीं परंतु हमारे गांव व समाज की नींव भी कमजोर हो रही है, क्योंकि आज के विद्यार्थी कल के नागरिक होंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि स्क्रीन के दिखाए गए नंबर जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद को फोन कर इस समस्या के लिए बात करें। मैं शंभूलाल खटीक राजस्थान के राजसमंद जिले के देलवाड़ा गाँव से, इंडिया अनहट के लिए।